अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओप्पो के F19 Pro के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो अपने A15 और Reno5 Pro के बाद F19 Pro को लॉन्च करेगा, यानी कि मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ये हैंडसेट हमें देखने को मिल जाएगा। A15 और Reno5 Pro मार्केट में अवेल हो चुके हैं, और अब बात करेंगे इस हैंडसेट की जो है दोस्तों F19 Pro के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे सेम ही स्पेक्स हमें जो F17 Pro में देखने को मिले थे, इस सेम स्पेक्स हमें F19 Pro में, लेकिन F19 Pro को थोड़ा सा इन्होंने डीग्रेड भी किया है, और जो है दोस्तों थोड़े से स्पेक्स को जो है दोस्तों ऊपर नीचे किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो दोस्तों 6.4 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगा, जो कि सेम ही हमें देखने को मिला था F17 Pro में भी। और इसके अलावा कैमरास को देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों क्वाड कैमरा सेटअप बैक साइड में हमें देखने को मिला था F17 Pro में भी, और यहाँ पे भी हमें F19 Pro में भी हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर हमें देखने को मिलेगा फ्रंट में। लेकिन हमें यहाँ पे दोस्तों F17 Pro में हमें ड्यूअल कैमरा देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे हमें सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, जो है दोस्तों 16 मेगापिक्सल का हमें देखने को मिलेगा इसमें। रैम और रोम को देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे हमें 8 GB की रैम देखने को मिलेगी, 128 GB का रोम, और प्रोसेसर की बात की जाए तो दोस्तों सेमी P95 की चिपसेट इस्तेमाल की गई है F19 Pro में भी। इसके अलावा 30 वाट की फास्ट चार्जिंग हमें देखने को मिलेगी, वो फ्लैश चार्ज भी हमें 4.0 टेक्नोलॉजी यहाँ पे F19 Pro में देखने को मिलेगी। और बैटरी को देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे F19 Pro में हमें जो है दोस्तों 4310 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, और F17 Pro में जो हमें दोस्तों बैटरी देखने को मिली थी 4015 mAh की बैटरी थी। तो दोस्तों ओवरऑल ये हैंडसेट के F19 Pro के स्पेक्स थे। और यहाँ पे बात कर ले रहे हैं इस हैंडसेट की जो है दोस्तों प्राइस की, तो ये हैंडसेट हमें तकरीबन 48 या 52 के बीच में ये हैंडसेट हमें देखने को मिलेगा मार्केट में। लेकिन अब देखते हैं कि जो है दोस्तों ओप्पो वाले इस हैंडसेट की क्या प्राइस रखते हैं, वो हम जो है दोस्तों कम्युनिटी बार में हम रख रहेंगे। जैसे ही इस हैंडसेट को लॉन्च कर दिया जाएगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा मैं आपको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों F17 और F19 Pro के बारे में बात की जाए, बाकी तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि थोड़ी सी डिज़ाइन वगैरह इसकी चेंज की गई है, लेकिन जो है ओवरऑल स्पेक्स को तो सेम ही रखा गया है। क्योंकि आपको बताया कि तकरीबन जो है दोस्तों इनकी F सीरीज़ को लोग इंतज़ार करते हैं, क्योंकि F सीरीज़ में हमें इसके जो है दोस्तों मिड रेंज में हमें बहुत ही अच्छे हैंडसेट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस बार पता नहीं क्यों F19 Pro को जो है दोस्तों F17 Pro से डिग्रेड किया गया है। क्या पता, आप देखते हैं कि F19 Pro जो प्लस आएगा उसमें हमें स्पेक्स तो ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे, अच्छे देखने को मिलेंगे, और वो हम देखेंगे कि कब लॉन्च होगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको जो है दोस्तों कम्युनिटी बार में जो है इन्फॉर्म कर दूंगा। बस यहीं तक था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।